उत्तराखंड की नैनीताल की कालाडूंगी में न्याय पंचायत बैलपड़ाव में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से किसानों को नहरों से पानी मिल सकेगा। उत्तराखंड के कालाडूंगी तहसील के न्याय पंचायत बैलपड़ाव के अंतर्गत बेलपोखरा ग्राम सभा में सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई की नहरों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसी को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा नहर सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कैलाश चंद पुत्र भोला दत्त तिवारी द्वारा नहर की बाई पटरी और राजकीय भूमि में अतिक्रमण किया गया था, जिसमें कार्यालय सहायक अभियंता सिंचाई तृतीय खंड रामनगर द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा इसे हटाया नहीं गया, उसी के चलते सिंचाई विभाग द्वारा उस अतिक्रमण को साफ किया गया है। इसका कारण ये सिंचाई विभाग की जो नहर है ना, उस जो बड़ी नहर है उससे पटरी पर ये अतिक्रमण दीवार थी, तो उनका यह है कि इसको पीछे हटना चाहिए। इसकी वजह से अन्य लोग भी जो ट्यूबवेल की और गोल लाइन है, पाइप लाइनें सब चोक हो गई हैं, उसमें पानी नहीं जा रहा था, तो वो भी कह रहे पहले ये अतिक्रमण हटेगा तभी हम आगे हटाएंगे। इस वजह से क्योंकि हमारी सिंचाई और लोग नहीं हो पा रही है, इसलिए ये अतिक्रमण हमने सोचा ही हटाने की। एक्चुअली हमारी ये चंद्रपुर नहर है जो कि रामनगर में मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर के डिस्टेंस पर है, कि बाईं पटरी पर कुछ लोगों ने, कैलाश तिवारी हैं या सत्यवली जी हैं, शिकायत आई थी कि इसमें जो है इनक्रेसमेंट हुआ है बाईं पटरी पर। तो मैंने वहाँ का निरीक्षण किया अपने कनिष्ठ अभियंता के साथ, तो पाया कि वास्तव में वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, तो हम लोगों ने लगातार 3 नोटिस दिए। तो कैलाश तिवारी जो वहाँ पर जिनका बाईं पटरी पर चंद्रपुर नहर में अतिक्रमण हुआ था, उन्होंने खुद ही आज फ़ोन करके उन्होंने कहा साहब जेसीबी मंगा रहा, मैं खुद ही तोड़ रहा हूँ, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो टूटने लगा है, लग गया है, और मैंने अपना स्टाफ भेजा हुआ है अभी। और एक अतिक्रमण और है जिसमें हमारी रिट पिटीशन चल रही है उसमें जूनियर डिवीज़न हल्द्वानी में, तो उसकी कार्रवाई होगी, जो कोर्ट से जो डिसीजन आएगा डेफिनेटली डिसीजन हमारे उसमें आएगा, क्योंकि उसमें जो है ऑलरेडी इंक्रेसमेंट हुआ है, तो उसको भी टूटना है।